सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा गाइस, मेरा नाम है रवि और आप लोग देख रहे हो रवि उत्सव व्लॉग्स। और आज का जो दिन है वो है थर्सडे और आज डेट है 6 मई। एंड मेरे को काफ़ी टाइम हो गए थे व्लॉग अपलोड करते हुए और आप लोग को पता ही है कल से बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है। सो मैं सोचा कि क्यों ना व्लॉग अपलोड करते हैं, काफ़ी दिन हो गए। एंड अभी मैं अपने छत पर आया हूँ। सो अभी तो घर से निकलना बंद है क्योंकि लॉकडाउन हो गया है और अभी लॉकडाउन 14 दिन तक और रहेगा। कल से ही लगा था लॉकडाउन 15 दिनों का। सो मैं सोचा कि चलो कुछ घर पे ही कुछ शूट करते हैं एंड काफ़ी दिन हो गया तो व्लॉग दे के कुछ अपडेट कर देते हैं कि अभी व्लॉग आने वाली है। घर में ही शूट होगी व्लॉग क्योंकि आपको पता है बाहर लॉकडाउन है। सो अभी जस्ट सनराइज़ हुआ है, आप लोग मेरे पीछे देख लो। और अभी चलते हैं, थोड़ा वर्कआउट करते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। मैंने अभी थोड़ा मोड़ा वर्कआउट कर लिया एंड काफ़ी टाइम बाद मतलब छत पे आया था तो सोचा थोड़ा वर्कआउट भी कर लेते हैं। और आप लोगों को पता ही है जैसा लॉकडाउन है तो जिम विम सब बंद है, तो मैं जिम भी जाता था कुछ टाइम पहले, बट 15 अप्रैल से मेरा जिम बंद हो गया था। सो उसके बाद से जिम भी छूट गया और एक्सरसाइज भी खाना बंद हो गए। सो मैंने सोचा कि आज से रेगुलर रहेंगे और थोड़ा मोड़ा घर में होम वर्कआउट करेंगे। और ये मेरा पीछे पंचिंग बैग जो कि पड़ा रहता है, मैं कभी इस पर मतलब पंचिंग करने आता नहीं। मैं सोचा कि चलो इससे भी स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। और तो गाइस अब तो लॉकडाउन हो गया है तो अब तो घर से निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मेरा भी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर इंपॉर्टेंट काम ना हो तो घर के बाहर ना निकले, क्योंकि आपको पता है बिहार में प्रॉपर लॉकडाउन लग गया है। एंड जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया, जो 18+ के हो गए, वो जाओ वो अपना वैक्सीन ले लो। कुछ 2 डोज है वैक्सीन के और आपको पहला डोज पड़ेगा, उसके कुछ 30-40 डेज के बाद सेकेंड डोज पड़ता है। तो थोड़ा कोऑपरेट करना एंड सेफ्टी से जाना। और जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है वो तो सही है, और जिनका सेकेंड डोज बचा है वो भी जाकर लगवा लेना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डोज लगवा लिया एंड सेकेंड डोज का फिर इग्नोर कर दिया, फिर भूल गया, तो नहीं, वो सब ध्यान रखना है एंड फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज प्रॉपरली लेना है। और मैं ये आप लोग से बोला था कि अभी जितना भी ब्लॉग होगा वो घर से शूट होगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है एंड मिड अप्रैल से मैं बाहर बहुत कम ही निकला, मैंने फिर कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और सॉरी फॉर जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है मेरे तोते लोग का, आई मीन जो तोते मैंने घर पर रखा है। और जो मेरा ब्लॉग स्टार्टिंग देखते उन्हें पता है मैंने कुछ 3-4 तोते रखे अपने घर, तो वो लोग हमेशा खिलाते रहते हैं, तो उन्हीं का बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा। एंड अब तो सोच रहा हूँ कि घर में ही ब्लॉग शूट करते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा भी हो जाएं, क्योंकि ये लॉकडाउन मतलब पिछले ईयर जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी मैं घर में ही ब्लॉग शूट करता था। सो अब धीरे धीरे कुछ प्लान करते हैं, कुछ घर में ही शूट करते हैं, कुछ नया करेंगे या फिर कुछ पुराने चीज़ों को ही कुछ नए तरीके से करके ब्लॉग शूट करेंगे। आई मीन जो मेरा पुराना ब्लॉग था उसी टाइप का कुछ ब्लॉग घर में शूट करेंगे, तभी आपको ब्लॉग मिल पाएगा, क्योंकि बाहर निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं कि मतलब कोविड इतना तेज़ पहले तो बाहर निकलो एंड कुछ शूट करो, नहीं वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। सो फिलहाल के लिए ये मैं ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो फिर तो उसको शेयर भी कर देना। इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं दिया बट फिर भी शेयर कर सकते। और फिर फिलहाल तो मेरा भी 18+ नहीं हुआ है, मैं भी 18+ का नहीं हुआ, इसलिए मैंने भी अभी वैक्सीन नहीं लिया। जैसे मेरा 18 होता है वैसे मैं फिर वैक्सीन के लिए अप्लाई कर दूंगा। सो अब ब्लॉग खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो लाइक लीजिए, जय हिंद, जय भारत।